नमस्कार दोस्तों, फ्लिपकार्ट पर एक और नई सेल स्टार्ट हो चुकी है जिसका नाम है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक सेल, जो दोस्तों आज 10 जुलाई से लेकर 13 जुलाई तक चलने वाली है। दोस्तों जियो सेल है, इसमें आपको क्या नया देखने को मिलता है, किस बैंक के ऊपर डिस्काउंट देखने को मिलता है, कितना डिस्काउंट देखने को मिलता है और दोस्तों आपको इस सेल में क्या क्या अच्छे ऑफर देखने को मिलेंगे, ये मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊँगा। दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि दोस्तों जिससे आपको अच्छे समझ में आ सके कि जिस सेल तो स्टार्ट हो चुकी है पर इस सेल के अंदर दोस्तों आपको किन चीज़ों के ऊपर अच्छा डिस्काउंट देखने को मिल रहा है, जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं दोस्तों जो एक सेल के अंदर से एक फ़ोन खरीदने सोचते हैं बट दोस्तों वो डिसाइड नहीं कर पाते कि उनको किस फ़ोन के ऊपर कितना डिस्काउंट देखने को मिल रहा है और कौन सा फ़ोन उनके लिए इस सेल से बेस्ट है। तो दोस्तों ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ और साथ ही दोस्तों ये आपको बताऊँगा कि कौन सा फ़ोन आपके लिए परफेक्ट रहेगा इस सेल के अंदर। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, जिससे दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ सके। और दोस्तों आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल दबा दें, जिससे मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों फ्लिपकार्ट पर जो सेल है, जो इलेक्ट्रॉनिक सेल, जो दोस्तों आज 10 जुलाई से लेकर 13 जुलाई तक चलेगी, यानी दोस्तों ये 3-4 दिन तक चलने वाली है। और दोस्तों इसमें बैंक ओवर की बात करें तो इसमें दोस्तों आपको एक्सिस बैंक के ऊपर डिस्काउंट देखने को मिलता है 10% का, यानी दोस्तों आपके पास चाहे क्रेडिट कार्ड हो या फिर डेबिट कार्ड हो, आपको दोनों के ऊपर 10% का डिस्काउंट देने को मिलता है एक्सिस बैंक के ऊपर। तो जिन लोगों के पास दोस्तों एक्सिस बैंक का कार्ड है, एक्सिस बैंक का अकाउंट है, उनको दोस्तों इसमें डबल डिस्काउंट देने को मिल सकता है। और दोस्तों इसमें फ़ोन की बात करें, किन फ़ोन के ऊपर आपको अच्छा डिस्काउंट देने को मिलता है, तो आप देख सकते हो कि इसमें दोस्तों आपको रियलमी C20 7,000 रुपये का देखने को मिलता है, 7,000 से ही कम में। सैमसंग का S62 जो दोस्तों 22,000 रुपये का फ़ोन है, ये आपको मिल जाएगा इसमें 20,000 रुपये का। और दोस्तों अगर बैंक ऑफर लगाते हो तो ये दोस्तों आपको और भी कम का मिलेगा। वहीं दोस्तों पोको का M3 ये आपको 11,000 रुपये का मिलेगा बैंक ऑफर हटा के, बैंक ऑफर लगाने का दोस्तों ये प्राइस और भी कम रह जाती है। वहीं दोस्तों रियलमी का 7 प्रो जो आपको बैंक ऑफर लगाने के बाद सिर्फ 13,500-14,000 रुपये का मिल सकता है, 6GB और 128GB वाले वेरियंट। दोस्तों इसमें आपको काफ़ी अच्छे अच्छे ऑफर देखने को मिल रहे हैं। रियलमी का नार्जो 30 प्रो ये आपको मिल रहा है दोस्तों 15,500 रुपये का बिना बैंक ऑफर के। दोस्तों जो भी मैं आपको डील बता रहा हूँ, जो बिना बैंक ऑफर के बता रहा हूँ, बैंक ऑफर अगर आप लगाते हो, अगर आपके पास एक्सिस बैंक का कार्ड है तो दोस्तों आपको अगर बैंक ऑफर लगाना है तो आपको इसमें और भी ज़्यादा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो आप दोस्तों देख सकते हो कि इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे ऑफर हैं। और चाहे दोस्तों आप रियलमी का फ़ोन खरीदो, सैमसंग का खरीदो या दोस्तों पोको का खरीदो, मोटोरोला खरीदो, आपको हर ब्रांड के ऊपर इसमें अच्छे अच्छे ऑफर देखने को मिल रहे हैं। तो जो भी फ़ोन आपको चाहिए, जो ब्रांड आपको पसंद है, उसमें आप जाके देख सकते हो कि जिस ब्रांड का फ़ोन आपको चाहिए उस ब्रांड के कौन से मॉडल के ऊपर आपको कितना डिस्काउंट देने को मिल रहा है। क्योंकि दोस्तों इस सेल में आपको हर ब्रांड के ऊपर डिस्काउंट देने को मिलते हैं। हाँ दोस्तों, अगर आप आईफोन लवर हो तो उसके ऊपर इतना डिस्काउंट नहीं है, बट सैमसंग, ओप्पो, वीवो इनके ऊपर दोस्तों काफ़ी अच्छा डिस्काउंट देखने को मिल रहा है इस सेल के अंदर। तो अगर आपको कोई डिवाइस चाहिए दोस्तों तो आप इस सेल से ले सकते हो, जो दोस्तों 10 जुलाई से लेकर 13 जुलाई तक चलने वाली है। और दोस्तों आपको एक बात और याद दिला दूँ कि दोस्तों जो फ़ोन सिलेक्टेड होते हैं, जैसे दोस्तों रियलमी का 7 प्रो, दोस्तों ये जो फ़ोन है ये आपको सेल के अंदर मिल तो जाता है बट कुछ ही टाइम के लिए अवेलेबल रहता है, फिर दोस्तों ये आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। तो अगर आपको कोई फ़ोन चाहिए रियलमी का तो फटाफट से इसे ले लो, क्योंकि दोस्तों अगर आप टाइम का वेट करोगे तो ये दोस्तों आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा कि कौन सा फ़ोन आपके लिए बेस्ट है और दोस्तों ये जो सेल है ये कब तक चलने वाली है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।